गुड मॉर्निंग गाइस, राइट नाउ इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग निकल रहे टूवर्ड्स इंडस्ट्री विजिट, जो कि हम लोग का पहले प्लान था कि हम लोग नंदिनी डेयरी जाने वाले मिल्क फैक्ट्री पर, लास्ट मोमेंट में वो प्लान कैंसिल हो गया और राइट नाउ अभी हम लोग जाने वाले द वैली ऑफ सिल्क फैक्ट्री, जो कि बैंगलोर मैसूर के आसपास बहुत सारे सिल्क फैक्ट्री से ये फैक्ट्री में जाने वाले थे पहले, पर बाद में प्लान कैंसिल हो गया और राइट नाउ भी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, जो कि ऊपर हम लोग के होटल में नाश्ता है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। ये बिल्डिंग में लिफ्ट भी है, लिफ्ट का फैसिलिटी भी है, पर लिफ्ट आते आते बहुत टाइम जाता है, इसलिए हम लोग स्टेज से जा रहे हैं। टेस्टी ऐसे खाऊन इतना टेस्ट माइक नहीं। हम लोग चेकआउट कर रहे हैं हम लोग का होटल और वी आर मूविंग टूवर्ड्स और बस, जो कि बस नीचे आके रुकी है, तो जल्दी जल्दी बस में जाके बैठ के और हम लोग अभी 3 घंटे का जर्नी है जो कि फैक्ट्री जाने का अभी हम लोग को। सो गाइस, राइट नाउ अभी हम लोग आए नंदिनी फैक्ट्री, जो कि ये मिल्क फैक्ट्री है और नंदिनी साउथ इंडिया में साउथ की तरफ बहुत ही फेमस है। मैं भी हैदराबाद में जाता हूँ तभी दादी लाती है नंदिनी दूध, ये कंपनी के बारे में बहुत सुना हो। अभी हम लोग जाने वाले हैं नंदिनी फैक्ट्री के अंदर। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा प्लान में ट्विस्ट हुआ, मैंने सुबह बोला था कि हम लोग पहले इस सिल्क फैक्ट्री जाने वाले हैं, जो कि प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, सिल्क फैक्ट्री छोड़ के मिल्क फैक्ट्री हम लोग कवर करने वाले। और ये है फैक्ट्री का एंट्रेंस और यहाँ पे एक छोटा सा दुकान भी है जो कि नंदिनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। नाउ वी आर एंटरिंग द फैक्ट्री और यहाँ पे हम लोग को बोला है दो दो करके लाइन लगा। यहाँ पे आप ट्रक्स एंड ऑल देख सकते हैं, ये सब प्रोसेस को बोलते हैं मिल्क रन और यहाँ पे ट्रक का वेट किया जाता है। ये सब ट्रक्स में नंबर ऑफ फार्मर्स से मिल्क लाया जाता है और यहाँ पे प्रोसेस होता है पूरा। जो भी मिल्क आता है यहाँ पे पहले अनलोड होते हैं, अनलोड होने से पहले यहाँ पे लैब है, लैब में सब टेस्ट होने के बाद वहाँ पे मिनिमम क्वालिटी अच्छा रहेगा तो ये अप्रूव होगा। अगर क्वालिटी मिनिमम लाइन से नीचे रहेगा सो यहाँ पे प्रूनिंग रिजेक्ट हो जाएगा और मिल्क वापस रिटर्न कर देंगे। अगर अप्रूव हुआ यहाँ पे आके अनलोडिंग होता है मिल्क का, जो कि आप देख सकते हैं सब मशीन से यहाँ पे, और इस ट्रक को मिल्क रन बोलते हैं इसको। एक बार अनलोड होने के बाद ये पाइपलाइन के थ्रू सब मिल्क जाता है और आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ता है। यहाँ पे आप बहुत सारे क्रेट्स देख सकते हो, यहाँ पे क्रेट्स का वॉशिंग चालू है, जो कि ये मशीन के अंदर से क्रेट्स पास होते हुए पानी वाला प्रेशर से ये सब धुल के निकलते हैं आगे। यहाँ पे क्रेट्स वॉश होने के बाद अभी क्रेट्स आ चुके हैं मशीन्स के, यहाँ पे फिल हो रहा है मिल्क इन पैकेट्स। यहाँ पे सब ऑटोमेटेड मशीन्स है जो कि ऑटोमेटिकली मिल्क पैक हो रहे हैं पैकेट्स के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही मशीन के अंदर ऑटोमेटिकली मिल्क फिल हो रहा है और ऑटोमेटिकली सील पैक हो रहा है। दिस आर द पैकिंग रोल जो कि इसके अंदर स्टोर होके जाता है मिल्क, एंड दिस इज द कोल्ड स्टोरेज जो कि पैक होने के बाद मिल्क यहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है, फुल कोल्ड है यहाँ पे। ये कोल्ड स्टोरेज बहुत ही बड़ा है एफिशिएंसी और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, बस मिल्क प्रिजर्व करने के लिए टेम्परेचर लो होना ज़रूरी है। ऐसा सेट मिल्क इज पेरिशेबल गुड्स ओके, इसलिए यहाँ पे स्टोर करना कंपलसरी है और यहाँ पे स्टोरेज का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं 4 डिग्रीज। यहाँ पे प्रोसेस है कि जो मिल्क पहला आएगा उसको पहला आउट करेंगे, फर्स्ट आउट। सो एज यू कैन सी दिस आर द ऑल स्टोरेज टैंक्स जो कि यहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं और यहाँ पे टोटल 4-5 टाइप के टैंक्स है, जिसमें एक हॉट वाटर टैंक है और बाद में नॉर्मल वाटर, बाद में प्री राइस वाटर जो कि यूज पानी को वापस वॉश करने के लिए ये वो टैंक यूज करते हैं, और हॉट वाटर का टेम्परेचर ये लोग मेंटेन करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। दिस आर द मशीन्स विच इज यूज फॉर पैकेजिंग।
अभी हम लोग आए फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे आपने देखा था मिल्क पैकेजिंग और राइट नाउ अभी हम लोग देखेंगे बटर पैकेजिंग। दिस इज द कंट्रोल रूम जो कि सब मशीन्स का कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पे है मशीन्स एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ पैस्चराइजेशन मिल्क। हर गाय और हर काओ अपने को सेम फैट का मिल्क तो नहीं देते, सबका मिल्क ऊपर नीचे फैट रहता ही है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, 45 डिग्रीज तक एक मशीन है जो हीट करता है मिल्क को और बाद में 45 डिग्रीज को हीट करने के बाद 45 डिग्रीज हीट करने के बाद जो फैट रहता है वो अलग से सेपरेट निकाला जाता है और बाद में उसको वापस 45 डिग्रीज टू 75 डिग्रीज हीट किया जाता है। जो फैट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो भी रहेगा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसके बाद वो प्रोसेस घी एंड ऑल बर्फी उसके लिए यूज़ करते हैं। उधर होता है तो उसका बैलेंस टैंक है वो चिल होता है, वो चिल होने के बाद उधर पंप होता है और वाटर इधर से निकलता है। उधर हम पैक भी कर सकते हैं सिमल्टेनियसली ऑनलाइन ट्रांसफर कर ले। 25 केजी बल्क पैकेजिंग एंड रिटेल पैकेजिंग है। दिस वन दिस वन फॉर की घी मेकिंग सिमल्टेनियसली वी कैन टेक फॉर की प्रोडक्शन ऑल्सो। सेम क्रीम सेम बटर आता है इधर से, वो डायरेक्टली मेल्ट होता है, वो ऑनलाइन मेल्ट रहे वो उधर है ना ऑनलाइन मेल्ट होते हैं। वो लास्ट वन इज प्री स्ट्रेटिफिकेशन टैंक, उसमें बटर मेल्ट होता है ना वो अंदर कलेक्ट होता है, उधर बटर मिल्क उसमें भी बटर मिल्क होता है ना वो ड्राइन करके हायर कंटेंट कट होता है ना वो उधर बॉयलर में लेते हैं, उसको 120 डिग्री तक हीट करके बाद में कूल करके उसको क्लैरिफाई करते हैं, उसका घी रेसिड्यूज होते हैं, ब्लैक पार्टिकल्स होते हैं घी में, वो सब कुछ उधर क्लैरिफाई रहे। उधर छोटा वाला है ना सेपरेटर का आदमी आदमी है ना उधर है, उसमें रिमूव होता है पूरा। रिमूव होने के बाद उधर स्टोरेज टैंक से स्टोरेज टैंक में हम स्टोर करते हैं, नेक्स्ट वी विल इश्यू फॉर पैकिंग। नाउ वी आर एंटरिंग द पनीर प्रोडक्शन एरिया। यहाँ पे हर जगह आपको बड़े बड़े मशीन्स और पाइपलाइंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दिस इज़ अ पनीर प्रोडक्शन एरिया। यहाँ पे हम लोग को डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं किया है, उसके बाद वी वेंट फॉर कर्ड प्रोडक्शन। मेसोफिलिक कल्चर के हैं 42 डिग्री कल्चर है, थर्मोफिलिक कल्चर के लिए 42 कल्चर। मुझे बेसिकली क्या असं आपण जेव्हा दही घरी लावतो तेव्हा काय करतो, अगोदरचं जे दही आहे ते कल्चर यूज करतो, दही आधी दूध बॉईल करतो थोडंसं थंड करतो बरोबर, आणि त्यानंतर काय करतो पहिलं जे दही आहे मतलब जो पहिला आपले पास जो कर्ड है उसमें थोडा पार्ट वन पूर्ण वापर डालते तो इथे कल्चर ॲड करतो। सेम प्रोसेस होने के बाद ते दही लावलं की सकाळपर्यंत ठेवतो आणि मग त्यानंतर त्याचं दह्या ते जे मिल्क आहे विनर होम विल स्टोर इट फॉर ओव्हर नाईट ओव्हर नाईट कंटिन्युअस प्रोडक्शन। दादा फिर ये प्लांट में दिन में कितना दूध आता रहेगा, सप्लाई होता रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे दिन में अराउंड 3-4 लीटर मिल्क आता है अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, जो फार्मर सप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड रहता है। हर दिन मिल्क की जो सप्लाई है वो वेरी रहती है, ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। सेम क्वांटिटी का मिल्क हर दिन तो नहीं आएगा, मतलब 19-20 हो जाता है अराउंड सेम। यहाँ पे अभी जो टैंकर से थे वहाँ से मिल्क आ रहा है अपने यहाँ पे। ओके, और मिल्क फॉर एग्जाम्पल आज दोपहर तक आया और इसको वापस आगे कस्टमर्स के लिए कितने दिन में बेचते हैं? आज दोपहर को आने वाला मिल्क प्रोसेस करके कल मॉर्निंग में निकल जाता है। ओके, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग निकल जाएगा किस पास। और ये है वाटर टैंक्स जो कि हॉट वाटर नॉर्मल वाटर जो कि मैंने पहले ब्लॉग में बताया। यहाँ पे हम लोग का इंडस्ट्री विजिट करके हो चुका है और राइट नाउ अभी हम लोग निकल पड़े टुवर्ड्स मैसूर और राइट नाउ अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स होटल। या पहले अभी हम लोग होटल में चेकिंग करेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग की मैम इंस्ट्रक्शंस दे रही है। शुभम होट 2 मिनट में अपना होटल आ जाएगा। अभी होटल वेयर वी आर गोइंग टू स्टे, मेक श्योर यू आर नॉट मूविंग आउट ऑफ इट, ओके? एंड द यूजुअल नॉट लाइक बैंगलोर, बैंगलोर इज ये बड़ा होटल है, स्विमिंग पूल वगैरह में कोई नहीं है।
गाइस राइट नाउ अभी हम लोग पहुंच गए हम लोग के होटल मैसूर में। मैसूर का प्रॉपर्टी बहुत ही ऑसम था, यहाँ पे हम लोग ने होटल में बहुत एंजॉय किया जो कि वो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं मैसूर पैलेस। और रात को हम लोग के होटल में डीजे नाइट था जो कि डीजे पार्टी बहुत हम लोग ने फुल एंजॉय किया, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिला। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।